व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और मजे में हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशु डिजाइन। सो गाइस, आज की इस रीडिंग वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छा से एडिटिंग लेकर आया हूं। गाइस, आज की इस रीडिंग वीडियो में सबसे पहले तो हम कवर करेंगे लाइटरूम की कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आते होंगे। उसको कवर करने के साथ साथ गाइस, मैं बताऊंगा एक छोटा सा रिटचिंग जो आपके फोटो को बहुत ऑसम और बेस्ट बना सकती है। जैसे कि गाइस ये देख सकते हो, ये मेरा ओरिजिनल फोटो है, कुछ इस तरीके से है। और गाइस, जो एडिट करने के बाद, जो रिटचिंग करने के बाद गाइस, कुछ फोटो है कुछ इस तरीके से हो गया है। तो यार, आज इस फोटो में हम इस चीज को कवर करने के साथ साथ लाइटरूम के कुछ पॉइंट्स भी कवर करने वाले हैं। तो यार, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखो क्योंकि बहुत मजेदार और बहुत जबरदस्त एडिटिंग होने वाली है। तो यार, एक खास बात, वीडियो शुरू करने से पहले आप यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस कर दो बेल आइकन को। एंड एक खास बात गाइस, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे जुड़े रहना चाहते हो या फिर एडिटिंग से रिलेटेड आप अपडेट रहना चाहते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट रहता हूँ एडिटिंग को लेकर, तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइस, बिना लेट किए हम वीडियो की ओर चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फोटो मेरा लाइटरूम में आ चुका है। गाइस, लाइटरूम में आने के बाद सबसे पहले तो आपको मतलब नोटिस करोगे आपका फ़ोटो बेस्ट है या फिर किस तरह का है आपका फ़ोटो। फोटो में आप देख सकते हो हर चीज़ मैनेज है, हर चीज़ एक कंट्रोल के अकॉर्डिंग है, ब्राइटनेस, लूमिनस, सिचुएशन, हर चीज़ मतलब सही है। तो गाइस, पहले स्टेप में आपको कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके फ़ोटो में ब्राइटनेस अगर सही नहीं है तो आप एक्सपोजर इंक्रीज करके ब्राइटनेस को सही कर सकते हो। अगर आपके फ़ोटो में शैडो कम है तो आप शैडो इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा माइनस में रख लेता हूँ, -30 पे। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस पर आएंगे आप लोग सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में आपको नोटिस करना होता है कि आपको सेचुरेशन इंक्रीज चाहिए या फिर सेचुरेशन डिक्रीज चाहिए। वाइब्रेंस जो क्या होता है गाइस, ये एक सेचुएशन के जैसे ही वर्क करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं जब वाइब्रेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपके फ़ोटो पे हल्का सा सिचुएशन इंक्रीज़ हो रहा है। ये सिचुएशन जो होता है ये हाई टाइप का होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी में मतलब वर्क करता है। अगर आप इसको, जैसे आप, मैं इसको छोड़ दिया, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो बहुत ज़्यादा फेस पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और बैकग्राउंड पे भी। जबकि आप इसको मैं माइनस में रख देता हूँ और इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ इस सिचुएशन को, तो इस पर आप लोग देख सकते हो चेहरे पर इसका बहुत कम इम्पेक्ट दिख रहा है। तो गाइस, आप इसको भी हल्का सा इंक्रीज कर दोगे और इसको हल्का सा डिक्रीज कर दोगे, दोनों को हल्का सा इंक्रीज करके और माइनस में इसको सिचुएशन को रख देते हैं। थर्ड स्टेप होता है गाइस मिक्स का। मिक्स में गाइस, सबसे पहला जो ह्यू टोन है, अगर आपको फेस पे ये कलर चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं इसको इंक्रीज कर दिया तो फेस का हल्का सा कलर आप चेंज हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसलिए मैंने इसे जूम किया है। ये देख सकते हो हल्का सा मतलब पता नहीं चल रहा है, आप इसको इंक्रीज करके हल्का सा सिचुएशन इंक्रीज करके लूमिनस इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में क्या होता है गाइस, आप लूमिनस में, ये मतलब फेस के लिए होता है, देख सकते हो अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपका फेस पे पूरा लाइटिंग आ जा रहा है। तो गाइस, इसको हम कंट्रोल करके रखते हैं, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इस फोटो में क्योंकि ऑलरेडी फोटो पे शाइनिंग है और चेहरा क्लीन है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। थर्ड स्टेप में गाइस, ये जो है थर्ड स्टेप का ह्यू को हम माइनस में रखते हैं और जो ये ग्रीन कलर है इसको गाइस जब हम माइनस करेंगे तो देख सकते हो ये पीछे का जो ग्रीन कलर था वो ब्लू मतलब येलो में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम येलो में कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग आप लोग मतलब सेलेक्ट कर लेना कि आपको कैसा चाहिए। अगर आपको इस साइड मतलब 100 कर दोगे प्लस में तो ये दूसरा कलर हो जाएगा, मतलब इसको -100 में रखते हो तो ये बहुत अच्छा कलर हो जाएगा, मतलब येलो कलर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइस, जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप स्काई ब्लू है, आप इसको इंक्रीज करोगे तो देख सकते हो ये जो मेरा ये जाल टाइप का बना है इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जा रहा है। अगर आप -100 में रखते हो तो कुछ इसका कलर स्काई ब्लू हो गया, उसके बाद आप इसको इंक्रीज करके रखते हो तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो कलर। मैं तो एक नॉर्मल आपको एक रिटचिंग बता रहा हूँ सिंपल सा। इतना करने के बाद गाइस, इसका सिचुएशन आप हल्का सा इंक्रीज करना चाहो तो सिचुएशन इंक्रीज कर दो या फिर इसको माइनस में रखना चाहो तो माइनस में रख सकते हो। यहाँ से आप इसको कर दोगे डन। उसके बाद लूमिनस बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो लाइटिंग के लिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद जो ये सिक्स तो वाला होता है लूमिनस, ये ब्लू होता है, ये थोड़ा हार्ड वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने माइनस किया तो इसका कुछ जो जाल वाला बैकग्राउंड है उसका कुछ कलर चेंज हो चुका है। गाइस, जब ये चेंज हो जाएगा तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये कलर चाहिए
या फिर इधर का ये कलर चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल मैं इसको इतना पे रखता हूँ, -34 पे। सिचुएशन को मैं इंक्रीज कर देता हूँ और जो लूमिनस है उसको भी हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, उसके बाद डन। गाइस हर इस सारे चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर की, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज कर देना है जो फोटो को एकदम अच्छे तरीके से मैनेज कर देता है। तो फोटो पे देख सकते हो कितनी अच्छी लुक आ चुकी है। उतना करने के बाद गाइस क्लैरिटी की अगर जरूरत पड़े तो आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसमें बहुत उतना जरूरत नहीं है लेकिन मैं कर दिया। उसके बाद गाइस मेरा जो वर्क होगा ये होगा, शार्पिंग कर दोगे चेहरे पे तो हल्का शार्पिंग आ जाएगी, उसके बाद नॉइज रिडक्शन जो है उसको आप लोग जब इंक्रीज कर दोगे तो हल्का सा स्मूथ आ जाता है चेहरे पे, ये दोनों को यूज कर दोगे। तो गाइस यहाँ से हम इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो आपका फोटो कितना प्यारा और ऑसम लग रहा है। तो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो गाइस अगर वीडियो सच में यार अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।